करता हूँ हेक गंगानी के सबसे पुराने मेंबर से, हमारे गैराज का सबसे पुराने मेंबर है ये टाटा नैनो कार, सिमोन की फेवरेट है ये, इसको आज तक हमारे वीडियो में आपने देखा नहीं होगा, ऑलमोस्ट 10 साल पुरानी है ये, बट ये हमारी सबसे फेवरेट कार है। एक इसका लुक अराउंड लीजिए, तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि 2 साल पहले इसका कंप्रेसर जो है एसी का कंप्रेसर वो ख़राब हो गया था, ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गए। आज इसका जो है वो कंप्रेसर चेंज होने वाला है, इस वीडियो में मैं आपको पूरा शो करूँगा कि कंप्रेसर जो है इसका चेंज होने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम आती है, कितना आसान है कंप्रेसर चेंज कर। इसमें सबसे पहली प्रॉब्लम आई थी एक्चुअली इसका जो कंडेंसर का फैन है वो स्लो हो गया था, जिनके पास भी नैनो है अगर उनको एसी की कूलिंग कम हो रही है तो उनको अपना कंडेंसर का फ़ैन चेक कराना चाहिए। हुआ ये कि फ़ैन स्लो होने के कारण कंडेंसर गर्म हो जाता था और उससे कंप्रेसर पे लोड पड़ता था और वो कट ऑफ हो जाता था, बट हमें फिगर आउट करने में थोड़ा टाइम लग गया और हमने मीनवाइल कंप्रेसर को जो है डायरेक्ट कर दिया था, मतलब भी वो ट्रिप नहीं होता था, उससे इवेंचुअली लोड पड़ता गया कंप्रेसर पे और उसकी जो बेयरिंग है वो जाम हो गई। जब तक हमें पता चलती ये वाली प्रॉब्लम तब तक कंप्रेसर जो है उस पर काफ़ी इफेक्ट आ गया था। हमने एक कंप्रेसर तो वही यूज़ किया 2 साल एटलीस्ट, बट जो फ़ैन है वो चेंज करा लिया, बट 2 साल बाद कंप्रेसर जो है वो ख़राब हो गया था। तो जो भी नैनो यूज़र्स हैं अगर उनको लगता है कि उनकी कूलिंग नहीं आ रही, तो सबसे पहला काम फर्स्ट थिंग इज़ अब अपना कंडेंसर का फ़ैन है वो चेक कराइए। नैनो का जो कंडेंसर का फ़ैन की जो प्रॉब्लम है बहुत ही नॉर्मल है, सारी नैनोज में आती है ये, मेरे ख्याल से हर 5-6 साल में हर किसी को अपने कंडेंसर का फ़ैन मेकल 1500 रुपये के आसपास आता है, वो चेंज करा लेना चाहिए। उसी कारण ये सब प्रॉब्लम हुई है, सारी जो ट्रबल है उसी से स्टार्ट हुई है, और उस 1500 के फ़ैन पे हमने शुरू में ध्यान नहीं दिया, तो आज ऑलमोस्ट इसमें 7-8 हज़ार रुपये करीब खर्चा आएगा, वो भी इसलिए कि जो है कंप्रेसर हम यूज़ डाल रहे हैं, जो इसका जेन्युइन नया कंप्रेसर है वो आज भी 12 हज़ार रुपये करीब है, बट जस्ट बिकॉज गाड़ी की अभी इतनी वर्थ नहीं है और ये बहुत कम यूज़ होती है, हार्डली 100-200 किलोमीटर चलती है एक महीने में, तो हम इसमें जो कंप्रेसर है यूज़ कंप्रेसर डालने वाले हैं, जो कि आज इस वीडियो में हम दिखाएंगे। जो भी सब्सक्राइबर हैं हमारे या जो भी ऐसे व्यूअर्स जो देख रहे हैं नैनो को, उनको कोई भी ट्रबल, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चीज़ पूछनी हो नैनो के बारे में, ऑलमोस्ट 80,000 चली हुई नैनो है मेरे पास, मेरे को मैं कह सकता हूँ काफ़ी एक्सपीरियंस जो कि बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है इस नैनो के साथ वो है, तो कुछ भी आपकी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आप पहले तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं नैनो के बारे में। ऑलराइट, चलो देखते हैं नैनो का जो आज है एसी चलता है नहीं चलता। यस यस यस, तो इसके अंदर होता है इसका इंजन। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए हैं, आज से 10 साल पहले इंटरनेट पे जो इसकी इंजन की पहली पिक्स हैं वो शायद मैंने ही डाली थी किसी ऑनलाइन फोरम पे। ये है इसका इंजन, फॉर सम रीज़न इसका जो कूलेंट है हर थोड़े दिन में ख़त्म हो जाता है, अब ये बॉटल की प्रॉब्लम भी हो सकती है, गैसकेट की प्रॉब्लम भी हो सकती है, कुछ ना कुछ तो है प्रॉब्लम, आई डोंट नो, थोड़े दिन और चलाएँगे कंप्रेसर लगाने के बाद फिर देखेंगे। इंटीरियर अभी भी ठीक ठाक हालत है, पूरा 10 ईयर ओल्ड कार, ये रस्ट के इशू। तो ये है हमारे मर्ज़ की दवा, ये आया है जी कंप्रेसर, मेक है इसकी पैनासोनिक, हालांकि गाड़ी में मेरी जो है अभी डेल्फी का लगा हुआ है या पैनासोनिक का लगा हुआ, अभी निकाल के पता लगेगा। ये जो कंप्रेसर लाए हैं मज़ा आ रहा काम करने में, इसमें मज़ा नहीं आ रहा मुझे, मज़ा नहीं आ रहा, इतनी बढ़िया गाड़ी है, बैठ के काम हो रहा है, बैठ के काम हो रहा है और क्या, और गाड़ियों में लेट लेट के काम होता। तो इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, एक्सेस देखिए आप क्या ज़बरदस्त है, स्पेस यूटिलाइजेशन पैकिंग टाटा की एक नंबर, चाबी चलाने तक की जगह नहीं है, मैकेनिक मूड खराब है, मैकेनिक का मूड खराब है, मैकेनिक का मूड खराब है, सोच रहा मैंने कहाँ हाथ फंसा लिया, नहीं
नीचे तक चले। तो मेरे अनुसार इसको खोलने के लिए कानून के हाथ होने चाहिए लंबे। कानून के पे खैर हो जाएंगे। घुमा रहे थे कैसे निकला है कंप्रेसर? ये आराम से निकला है गाइस। इन जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं, दो घंटे काम इन्होंने 7 मिनट फ्लैट में कर दिया। 8वां मिनट नहीं लगा होगा इसके अंदर। रिंग क्या होती है इसके अंदर? पैकिंग, पाइप की जो पैकिंग होती है ये होती है रिंग, जो पाइप होती है कंप्रेसर के ऊपर लगेंगे, उसकी रिंग जो है वो नहीं डाल रहे हैं। 3 घंटे की मेहनत के बाद फिट हो चुका है कंप्रेसर। 3 घंटे में से 2.5 घंटे की मेहनत बैठने की है, 1/2 घंटा काम करने की है। एक नई प्रॉब्लम आ गई है, आप देख सकते हैं कि एक्सल की ग्रीस लीक हो गई है, भी काम कराना पड़ेगा। अब हम क्या करने वाले हैं? इसमें एयर का प्रेशर डालेंगे, हवा प्रेशर डाल के पहले देखेंगे कहीं लीकेज वीकेज तो नहीं है, और फिर उसके बाद लीकेज चेक करने के बाद हम इसमें जो है रेफ्रिजरेंट डालेंगे, राइट? हाँ, ठीक है। ये इसका प्रेशर और रेफ्रिजरेंट डालने का पॉइंट, दिस इज द फ्रंट। ये है इसका कंडेंसर का फैन, जो मैंने आपको बताया था कि पुराना पहले ख़राब हो गया था। इसका कंडेंसर है वो भी शायद लीक है, अब इसका हमें लीकेज ढूंढना पड़ेगा, अदरवाइज ये भी करना पड़ेगा चेंज। हम इसको वेल्डिंग करने का ट्राई कर रहे हैं। इसमें दो जो लाइंस हैं वो ब्लॉक कर रहे हैं। अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो वेल एंड गुड, वरना फिर जो है नया कंडेंसर डलेगा। डन थ्रू एल्युमिनियम वेल्डिंग। The condenser has been repaired and refitted. अब फिर से हम प्रेशर एक बार इसके अंदर डाल रहे हैं, कोई और अगर लीक है वो चेक हो जाए। कितना प्रेशर डाल रहे हैं? 30। यहाँ होता है इसका एसी का फिल्टर, इसको निकालने और लगाने का प्रयास आप तभी करें अगर आप रामदेव जी के भक्त हैं, क्योंकि इसमें एक योगा हो जाती है। पता नहीं इस पॉइंट पे क्यों दिया हुआ, बहुत ही टेढ़ा काम है इस टेढ़े फिल्टर को निकालना। बट अगर ये फिल्टर चौक है तो एसी जो है सब कुछ ठीक होने में भी सफिशेंटली कूल नहीं करेगा। तो हम लोग इसको निकाल रहे हैं अभी फ़िलहाल, अभी उसे क्लीन करेंगे। This is the moment of truth। हवा तो आ रही है, एसी ऑन किया हमने, अभी फैन देखो चल रहा है। इसी के साथ नैनो फिर से एयर कंडीशन हो चुकी है, अभी थोड़ा सा कूलिंग कम है बट गैस अभी टॉप ऑफ हो गई है। बट द बैड न्यूज़ इज कंप्रेसर जो हमने लगाया उसमें भी कुछ अनयूजुअल सी आवाज़ है, वो अपने हमें एक बार चेक करने की वो किस चीज़ की है, देखते हैं। साउंड देखिए, लिसन टू दिस साउंड, दिस डिनोट्स ये जो कंप्रेसर है जो हमने अभी सेकेंड हैंड कंप्रेसर इसके अंदर यूज़ किया है, वो भी पहले वाले कंप्रेसर की तरह ही अपने ज़िंदगी के लास्ट चरणों में, इन इट्स लास्ट लेग्स दैट इज़। तो देखते हैं अब हम क्या करते हैं, नया कंप्रेसर डालते हैं, इसको निकालते हैं। तो आप डू फॉलो मी ऑन हे गुगलानी। अब से मैंने सोचा है कि 2-3 आपके लिए नैनो से रिलेटेड ओनरशिप रिव्यूज़ वो डालूँ। डू सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग हे गुगलानी। थैंक यू।